नमस्कार साथियों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में। अब मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं हम लोग चित्रकार, रंगमार्ग, कर्म एवं लोक शिल्प के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकारों के बारे में। तो बात करते हैं सैयद हैदर राजा के बारे में। इनका जन्म हुआ बावरिया नरसिंहपुर में। उसके बाद ये फ्रांस चले गए, फ्रांस में बस गए। फ्रांस का प्रोदिलाक्रेटिक सम्मान प्राप्त हुआ 1953 में। पद्मश्री भी मिला है और पद्म भूषण भी मिला है इन्हें। इनके प्रमुख चित्र हैं अटल शून्य की अनंतता, बिंदु, माँ, सफ़ेद फूल, नांग और स्पंदन इनके चित्र हैं। फिर हैं विष्णु चालंकर जी चालंकर। इनका जन्म हुआ आलौट गांव देवास में। फ्राइडे ग्रुप बनाया इन्होंने। बानियत सम्मान 1960 में मिला इन्हें। फिर हैं देवा यानी कृष्ण। इनका जन्म इंदौर में हुआ। इन्होंने मुखौटा दृश्य तिब्बत सिक्किम का चिंतांकन किया। फिर हैं नारायण श्रीधर। इनका जन्म हुआ था इंदौर में। इनके प्रमुख चित्र हैं बौद्ध पूजर, पटना आवास और हिमाचल आदि। अब आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख लोक चित्र परंपरा के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं निबाड़ के लोक चित्र, जिरौती हरियाली अमावस्या को, नांग चित्र नागपंचमी को, साजापुली कुंवार में, नवरत नवरात्रि में, दशहरा चित्रण थापा सिल सप्तमी को, मूर्धन दीपावली पड़वा, भाईदो चित्र मणवा भूमि पर अंकन। फिर बात करते हैं मालवा के लोक चित्र, चितेरे जाति के द्वारा, चित्रावण, मांडना साजा, सावनाही आठे कन्हैया, हरत्ता लीका। फिर बात करते हैं बुंदेली लोकचित्र के बारे में, चौक चित्र, सुरैती, नौरता, मूर्ति। फिर बात करते हैं हम लोग बघेली लोकचित्र के बारे में, कोहेवर, तिलंगा, छाटी चित्र, ने उरान। अब बात करते हैं रंग कर्म। मध्य प्रदेश के रंग कर्मियों के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हबीब तनवीर। 1943-44 में एप्टा का गठन, 1954 में हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना, मिच्छ कटिकम की हिंदी में प्रस्तुति, चरणदास चोर, माटी की गाड़ी, आगरा आदि इनके रंगकर्म हैं। फिर अगले हैं विवा कारंत, 1982 में भोपाल भारत भवन के रंगमंडल के निर्देशक रहे हैं। फिर अगले हैं बाबा डीके, 7 जून 1919 को नीमच में जन्म हुआ इनका। 1975 में नाट्य भारती की स्थापना की इन्होंने। अगले हैं अलक नंदन, नाट्य संस्था नट बुंदेले के निर्देशक हैं। विरभा मिस ये भारत भवन के रंगमंडल में वरिष्ठ अभिनेत्री हैं। बंसी कॉल स्टेज क्राफ्ट में विशेषज्ञता इन्होंने हासिल की। नरहरि पटेल जन नाट्य संघ और यौनिका रंगकर्मी। अनवार सिद्दीकी ये नाटककार थे। अब बात करते हैं हम लोग आगे लोक नाट्य के बारे में। माच, मालवा का प्रतिनिधित्व नाट्य शेरमान खान विदूषक। स्वांग ये बुंदेलखंड में। नौटंकी यह एक गे लोक नाट्य है जो बुंदेलखंड में अत्यधिक प्रचलित है। कठपुतली इसकी कई शैलियाँ प्रचलित हैं, दास्तान पुतली, धड़ पुतली, सूत संचालित पुतली और छाया पुतली। गम्मत निबाड़ में गम्मत सर्वाधिक प्रचलित लोक विधा है। रासलीला मुख्य रूप से निबाड़ में ही कृष्ण जन्माष्टमी पर होता है। मनसुखा रास का बघेली संस्करण है मनसुखा। जिंदवा यह बघेलखंड की महिलाओं का नाट्य है जिसमें अश्लीलता की कोई सीमा रेखा नहीं होती है। आगे बात करते हैं हम लोग खम्म स्वांग, ये कोरकुओं का खम्म स्वांग मेघनाथ की पूजा के अवसर पर किया जाता है।
झांझ व मृदंग के साथ, छाहोर छाहोर बघेलखंड का लोकनाट्य है, रागनी रागनी ग्वालियर अंचल की लोकनाट विद्या है, भवाई झाहुआ के आसपास प्रचलित भवाई मुख्यतः गुजरात का लोकनाट्य है, हिंगोला यह मंच रहित एक सरल नाट्य है, लकड़बग्घा यह विवाह के बाद मंच पर खेला जाता है, नौटंकी बघेलखंड में ईदल और बैरग राजा या मनी हारिन की प्रसंग का लेकर है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख साहित्य एवं ललित कला अकादमियों के बारे में, तो मध्य प्रदेश कला साहित्य कला परिषद 1952 में इसकी स्थापना हुई, भोपाल में उसका मुख्यालय है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद इसकी स्थापना हुई 1954 में, भोपाल में इसका मुख्यालय है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी इसकी स्थापना हुई 1969 में, भोपाल में इसका मुख्यालय है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976 में इसकी स्थापना हुई, भोपाल में इसका मुख्यालय है। कालिदास अकादमी 1977 में 1977 में इसकी स्थापना हुई, उज्जैन में इसका मुख्यालय है। उस्ताद अलाउद्दीन संगीत अकादमी इसकी स्थापना 1979 में हुई, मेहर सतना में इसका मुख्यालय है। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी ये इसकी स्थापना हुई 1983 में, भोपाल में इसका मुख्यालय है। अल्लाहमा इकबाल आदमी अकादमी 1984 में इसकी स्थापना हुई, भोपाल में इसका मुख्यालय है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी 1985 में इसकी स्थापना हुई, भोपाल में इसका मुख्यालय है। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी 1987 में इसकी स्थापना हुई, भोपाल में इसका मुख्यालय है। भारत भवन 1982 में स्थापना हुई, भोपाल में इसका मुख्यालय है। पुरातत्व एवं अभिलेखाकार संग्रहालय 1956 में, भोपाल में इसका मुख्यालय है, याद रखना। आगे बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक समारोह एक नज़र में देखते हैं। कालिदास समारोह उज्जैन में होता है, कालिदास समारोह कहाँ होता है, उज्जैन में। खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो में होता है, तानसेन समारोह ये ग्वालियर में होता है, मालवा उत्सव ये इंदौर उज्जैन मांडू में होता है, उस्ताद अलाउद्दीन का संगीत समारोह ये मेहर सतना एवं विभिन्न शहरों में होता है, अमीर खां संगीत समारोह ये इंदौर में होता है, द्रौपद समारोह ये भोपाल में होता है, मध्य प्रदेश समारोह ये दिल्ली में होता है, ओरछा उत्सव टीकमगढ़ जिले में होता था, पद्माकर समारोह सागर में होता है, सुमद्रा कुमारी चौहान समारोह ये जबलपुर में होता है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह ये खंडवा जिले में होता है, नेवाड़ उत्सव ये खंडवा खरगोन बड़वानी में होता है, दुर्लभ वाद विनोद भोपाल में होता है, रामायण और साकेत संग्रहालय ओरछा टीकमगढ़ में है, माधव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय भोपाल में। आपको बता दें जब से 2018 से निवाड़ी नया जिला बना है तो ओरछा अब निवाड़ी में आने लगा है, निवाड़ी जिले में टीकमगढ़ में अब नहीं आता है, याद रखना। ठीक है, तो ये था हमारा चित्रकार मध्य प्रदेश के रंगक्रम एवं लोक शिल्प।